बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे पास मशीन है इस वक्त 5890 जीरोक्स की, तो इसमें ये देखें प्रिंट ऐसे आ रहा है। तो इसमें क्योंकि ड्रम जो है ये ख़त्म हुआ हुआ है, तो 57 में तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर ड्रम आपका वीक है तो आपने उसको कैसे चलाना है। ये देखें ये वाला प्रिंट दे रही है मशीन, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम इससे फॉल्ट का एरर करेंगे कि इसी ड्रम को हम कैसे जो है इसी मशीन में चलाएंगे तो रिज़ल्ट हमारा, ये हमारी लाइनें कैसे ख़त्म हो जाएंगी या हमारा ग्राउंड कैसे ख़त्म होगा, या ये देखें इसमें शाइनिंग कम है ज़रा, ये शाइनिंग कैसे होगी। ये देखें ये ग्राउंड आ रहा है और मध्यम सा प्रिंट आ रहा है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। तो 57 मशीन में मैंने आपको तरीका बताया था, लेकिन अब 58 क्योंकि शुरू कर दी है, तो 58 में हमने क्या करना है कि हमारी ये लाइनें ग्राउंड और इसमें शाइनिंग आ जाए, तो ये हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मशीन को हम लॉगिन करेंगे, तीन बटन दबाएंगे, स्टार्ट को दबाओ, ये देखिए स्टार हैश दबा के रखना उसको साथ, स्टार हैश और स्टॉप को दबाएंगे। अब हमने कोड लगाना है 6789, हम इंटर करेंगे, अब हमने जाना है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में हम जाके DC131 NVM रीड राइट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये बड़ी अहम चीज़ है, चेन और लिंक, हमने यहाँ चेन में सबसे पहले तो हम जाएंगे इसकी लेज़र लाइट में ताकि इसकी शाइनिंग बनाएं। अगर आपने अकेली शाइनिंग सेट करनी है तो आप इस तरीके से सेट करेंगे। तो लेज़र लाइट में जाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 761, ये देखें यहाँ पर लिखेंगे हम 761, 761 लिखा हमने, 761 लिखेंगे और लिंक जो है ये हम 1 ही रहने देंगे। अब इस पे रीड पे क्लिक करेंगे, ये देखें हमारा जो लेज़र लाइट लेवल है इस वक्त 1815 यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही खड़ा है, तो हम इसको 4500 यानी 4500 पे करेंगे। करने का क्या तरीका है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इधर 4500 लिखेंगे, 4600 लिखा गया, कोई नहीं। तो हम इस पे अब राइट पे क्लिक करेंगे, हमने राइट पे क्लिक कर दिया यानी ये हमारा 4600 सेव हो गया। इसके बाद हमने कहाँ पे जाना है, हमने डेवलपर बेस प्रिंट लेवल में जाना है जैसे हम 57 में जाते थे। तो हमने यहाँ चेन की जगह पे क्या लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे 791, इस पर क्लिक करेंगे, अभी तो लिखेंगे 791, ये देखें। और लिंक पे क्या लिखेंगे, हम लिंक पे लिखेंगे 25, ये देखें हम लिंक पे क्लिक है तो इधर लिखेंगे 25 लिखने के बाद हम इसको रीड पे क्लिक कर देंगे, ये देखें हमने इसको रीड पे क्लिक कर दिया, ये हमारा 340 यानी डिफ़ॉल्ट पे ही खड़ा है। तो हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे 290, क्योंकि ड्रम काफ़ी वीक है तो इसको राइट क्लिक कर देंगे और इसके बाद इसको हम क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद जो है इसको क्लोज़ आउट करेंगे और इधर रीसेट पे टिक करेंगे, इसको चेकआउट करेंगे और एग्ज़िट एंड रीबूट पे क्लिक करेंगे। अब हमारी मशीन जो है ये रीस्टार्ट होने के बाद चलेगी तो इसका प्रिंट जो है ये शाइनिंग वाला प्रिंट आएगा। तो ये रीस्टार्ट होने के बाद चलती है, क्योंकि मेरी वीडियो में एडिटिंग नहीं होती इसलिए मैं कैमरे को यहाँ पर रोक देता हूँ। ये देखिए मशीन अब जो है ये रीस्टार्ट होने के बाद चल पड़ी है। तो ये देखिए वही हमारा पे रखा हुआ है आईडी कार्ड, तो उसी सेटिंग पे जो है हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए हमने इसको प्रिंट ऑर्डर दिया और अब ये देखिए ये देखिए दोबारा से निकालते हैं, देखिए ये हमने इसको प्रिंट ऑर्डर दिया, ये देखिए अब दोबारा से क्योंकि पेपर उसमें फंस गया था तो ये दोबारा से पेपर निकाल रही है। देखिए अब ये हमारी पहले ये मतलब ये देखिए अब ये हमारा ये रिज़ल्ट निकला, ये देखें आप बिल्कुल शाइनिंग है इसके अंदर और इसमें ये जो लाइनें आ रही हैं देखिए। तो क्योंकि ये
थोड़ा सा बढ़ाया हुआ था इसका, तो हम इसको ये देखें अब इसको इसको नॉर्मल, और इसे इसे भी ऑटो करते हैं, इसे भी नॉर्मल करते हैं, और उसके बाद जो है इसको भी नॉर्मल पोजीशन पे करते हैं। और अब इसका प्रिंट निकालते हैं, ये देखते हैं किसी भी किस्म की कोई लाइन नहीं है। ये देखिए ये बेहतरीन शाइनिंग वाला प्रिंट है। तो ये हमारे जो हीट रूलर है उसके उसके निशानात आ रहे हैं इस पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। शुक्रिया।